सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी, वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो घड़ी में दोस्तों 12:40 हुए हैं और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई अपडेट के साथ में। हाई कोर्ट की अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिलती रहेगी यहाँ पे पल पल की, जैसा कि दोस्तों रोज़ मिलती है। और बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सटीक अपडेट आप लोगों को यहाँ मिलेगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बस ऐसे ही अंदाजे से बता दिया जाएगा। जो भी होगा यहाँ दिखा करके और प्रूफ के साथ ही आपको बताते हैं, आपको बताइए। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों अपडेट को कवर कर लेते हैं, क्या अपडेट निकल करके आई है लखनऊ खंडपीठ से। तो अभी तक प्राप्त जानकारी के आधार पर उच्च न्यायालय में आयोजित कट ऑफ प्रकरण की सुनवाई आज दिनांक 4 फरवरी को लखनऊ खंडपीठ में दोस्तों कोर्ट नंबर 23 में माननीय जस्टिस राजेश चौहान जी की बेंच में 2:15 पर दोस्तों आज टाइम दिया गया है। लेकिन सुनवाई शुरू होने की जो संभावना दोस्तों नज़र आ रही है वो तकरीबन 3 बजे ही केस जो है वो सुना जाएगा। कहने का मतलब है जैसा कि हर बार 3 बजे केस सुना जाता है और 1 घंटे के अंदर अंदर या 1.25 घंटे के अंदर अंदर केस को या तो अगली डेट मिल जाती है या फिर उसका कोई निर्णय आने के चांस बनते हैं। अब आज क्या होगा दोस्तों वो तो कहना मुश्किल है, मैंने आप लोगों को सुबह बता ही दिया था। तो चलिए दोस्तों अब बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये तो दोस्तों हो गई कोर्ट के अंदर की बात कि कोर्ट की सुनवाई कितने बजे शुरू होगी, कौन से कोर्ट नंबर में होने वाली है ये भी डिसाइड हो चुका है और जस्टिस जो जज साहब कौन है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब जो मेन बात आ गई दोस्तों कि कोर्ट के बाहर की भी कुछ आप लोगों को मैं अपडेट दे देता हूँ। जैसा कि पिछली सुनवाई के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार की तरफ से पूरी की पूरी फौज आई थी, 10 से 11 वकीलों की फौज जो है आई हुई थी केस को मतलब कि पक्ष देने के लिए, सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। जैसा सरकार ने पिछली सुनवाई में बोल दिया था कि हमारा जो बहस है वो यहीं पर ख़त्म होता है, आगे आपका निर्णय आप क्या करते हैं क्या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। तो ऐसा ही दोस्तों देखने को मिल रहा है और सरकार की तरफ से दोस्तों आज जो वकीलों की फौज थी उसमें खासा कमी देखने को मिली है। जैसा कि पिछली बार 10 से 11 वकील देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज दोस्तों अभी तक तो मैं आप लोगों को बताऊँ तो 4 से 5 लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो सरकार की तरफ से अब आ चुके हैं। साथ में दोस्तों रिजवान अंसारी की टीम के ही वकील जो है पहुंच चुके हैं, सबसे पहले उन्हीं के जो टीम आई थी वहाँ पे हाई कोर्ट के बाहर पहुंची थी, अभी तक दोस्तों बाहर ही हैं। तो वो भी 4 से 5 वकीलों की टीम लेकर के बाहर खड़े हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, क्या वहाँ से निर्णय निकलेगा। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी दोस्तों मैं आप लोगों के सामने आ जाऊँगा। और जैसा कि आप लोग एक बात बार बार मुझसे बोलते हैं कि सर हमें आपकी वीडियो का ही वेट होता है, मुझे बताया आप लोग भी मेरी वीडियो का वेट करते हैं कि सर जल्दी से जल्दी अपडेट दें। लेकिन डियर अगर मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ तो उसका रीज़न होता है कि कोई अपडेट मिलेगी तभी मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। जैसे ही मुझे अपडेट मिलती है मैं 1 सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए सीधा आप लोगों के सामने आ जाता हूँ और आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। सो गाइस जैसी ही अपडेट होगी मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आना है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज रियल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ आपको ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर ही मिलती है। सो गाइस थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली अपडेट में, थैंक यू।